आप भी? सबका दिल का धड़कनवा रुक जाएगा जब हम ऐसे कर ही दीजिए। बहुत चाहते हैं आपको लोग, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। वो देखो बैठे हो, हम अपने प्यार की ये बारिश तुम पे बरसाने वाले हैं। रागनी जी, हाँ। काफी आइए, इधर आइए। तो आज अब घुस जाए का तहरे में, हम आप एक ही हैं, आ जाओ उधर देखो। आप हम ही एक ही हैं। अरे तो आपको लोग देखना चाह रहे हैं, हाँ। आपकी मीठी मीठी मुस्कान। हम आप मिलके एक गाना गाए थे, हाँ। याद है? याद है, जो लोगों को खूब पसंद आया था। और हमारी जो जनता है ना, मीठा मीठा कमेंट भी किया था। कितने आप लोगों ने कितना कमेंट किया था मेरे को, रात रात भर जितने व्यूअर्स हैं सब लोग डिस्टर्ब करते थे, मुझे रागनी जी से बात करना है, रागनी जी आई लव यू, तमाम प्रकार के कमेंट आते थे। तो सोचिए आपको चाहने वाले कितने हैं। और आपके साथ में मैं भी टंगा रहता हूँ तो चाहना ही पड़ेगा। जैसे वो औरत का भाई होता है ना, तो साला होता है ना, तो अगर पति नहीं भी चाहेगा ना तो उसको साले को चाहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी रूठ गई ना तो जिंदगी रूठ गई, है ना। तो ऐसे हम आपके साथ में हैं, तो आपको चाहते चाहते अगर पब्लिक नहीं भी मुझे चाहती है इस बुढ़े को ना, तो उनको चाहना ही पड़ता है। ये आपकी बदौलत है। और हम आपने गाना गाया था आप बताइए। अधरी हालत, अधरी हालत हमरे अनुदान, अधरी हालत। ऐसा नहीं है, ये तो मेरा वाला गा दिया हमने। तो आप मेरा पार्ट गाए ना, तो हम आपका पार्ट गा दिए, तो इसमें बुरा क्या है? तो हम आप एक ही हैं ना पगली, तू समझती भी नहीं है। क्यों नहीं समझते? हम आप एक ही हैं, तो गाओ अपना वाला गाओ। असह्य लागत, सह्य लागत हमके सरा, नजर जनी मरल करा। अब आपका पार्ट आ रहा है, गाइए ना। म्यूजिक में गाते है ना, है ना दोस्तों, हाँ। अब भी सबका दिल का धड़कनवा रुक जाएगा जब हम ऐसे कर ही दीजिए। बहुत चाहते हैं आपको लोग, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। वो देखो बैठे हो, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है तो इतना तो हक बनता है। तो किया तो मैंने, है ना। चलिए ठीक है, गाना सुनाते हैं। बुढ़ो का करा दिए भगवान। आपका पार्ट है, मेरा है, मेरा है, हाँ गाइए। Thank you.
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा और रागिनी का एक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मजाक मस्ती करते हैं इसलिए कि हमको भी मजा आए, आपको भी मजा आए। भाई साहब आप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं? खाना खाते समय मत देखिए रागिनी को, पहले खा लीजिए, नहीं तो खाना हजम भी नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आप साड़ी वाली कंपनी में काम करते हैं? हाँ एक्स्ट्रा भेजिएगा आप। कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी। रागिनी जी हाँ, ये कह रहे हैं कि हम साड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं सूरत में। सूरत में तो एक्स्ट्रा भेजिएगा। अच्छा देखो एक भाई साहब बाबा को पहनाने के लिए, एक भाई साहब बुढ़वा गेटअप में है, कभी लड़की के गेटअप में भी आते हैं। ऐसा नहीं, मेरे को नहीं पहनना है, मैं साड़ी पहनूंगा। क्यों नहीं? नहीं, और वो बोलते हैं भैया मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। एम्ब्रॉयडरी वाले हैं वो भी देख रहे हैं हाँ। अभी खाने पीने का इनका जो है ना छुट्टी हुआ है दोपहर में, 12 बजे छुट्टी होता है, बोल रहे हैं कि 1 बजे फिर से हम मैं काम में लग जाता हूँ, तब तक रागिनी जी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, वो देख रहे हैं। देखिए हाँ। है ना, देखिए हाँ। खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए झिल्लूर बाबा को। आज एक गाना हम लोग का बहुत वायरल चल रहा है, सब आप सभी का प्यार आशीर्वाद है। और झिल्लूर बाबा बहुत बढ़िया गाए थे, गायकी में जवाब नहीं है। और जो भी कुछ हैं आप सभी के प्यार आशीर्वाद से हैं। और आज झिल्लूर बाबा भी देखिए कैसे ऐसे देख रहे, जैसे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे और को इंस्टा पे मैंने देखा, इंस्टा पे 4 लाख लोग बनाए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि झिल्लूर बाबा का गाना इतना मस्त चल रहा है। और सेट सॉन्ग क्या तुम्हें पता है ये गुलशन, तो बहुत अच्छा लगा। और यूट्यूब पर भी देखती हूँ तो रील पे रील आता रहता है, इतना अच्छा खुशी मिला मुझे कि चलो बाबा जी को बहुत बहुत ढेर शुभकामना है। और मेरे से जो भी मदद होगा मैं करते रहूँगी, आप सभी का प्यार आशीर्वाद पाते रहूँगी। रागिनी जी आपने मदद ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आप हमारे जीवन में जो है ना ऐसा मोड़, ऐसे मोड़ पर हमको लाया है कि मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी है कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूं। और कहना है कि एक बार एक झलक को मार देता हूं अपने दर्शकों को हाँ। हम अपने प्यार की ये बारिश इन पे बरसाने वाले हैं। क्या भैया? इन पे नहीं, आप पे, आप पे बरसाते हैं। हम अपने प्यार की ये बारिश तुम पे बरसाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो अपने प्यार की ये बारिश तुम पे बरसाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत अच्छा लगा है ना। बाकी ईश्वर पहले के ईश्वर पहले के पचा ना पाईबा, शर्म गद्दारी करत है वाली, यही करती है ये पगली। इतना मैं इससे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं
ये पैसा देती है लेती। एक बार मेरे को होटल में खाना खिलाने ले गई ये रागिनी, बहुत डिस्टर्ब करती है। बोली जुल्लू बाबा तुमको मैं होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगी, आज महंगे से महंगे होटल में ले जाऊंगी। इसमें बोली इसमें, अरे उसमें एक मिनट सब लोग सुने ना, धीरे धीरे बोल रहा है। हेलो गद्दारी करवा तेरे बहनी के। देखो मैं बताऊंगी, हाँ ये मेरे को खाना खिलाने ले गई होटल में, ती पगली इतनी, मैं बताऊं 12 बजे हम लोग जो है क्या नाम गाना गा के लौट रहे थे तो भूख लगी थी। बोली ढुल बाबा महंगे से महंगे होटल में खाना खिलाएंगे, तो ये ले गई खाना भी खाई, खूब खाई, ढुल बाबा को हचक के खाई। और जब बिल बन गया कम से कम 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बिल बना। और इन्होंने बोला कि ढुल्लू बाबा मुझे जो है नींद आ रही है, मैं अपने रूम पे जा रहे हूँ, तुम पैसा पेमेंट करके निकल जाना। इतनी पगली में इतना मैं क्या बताऊं, इतना झूठ बोलते हैं जी आप। ऐसा मैं बताऊं, रात भर उस होटल वालों ने मुझसे बर्तन धुलवाया था। हाँ इतनी दुष्ट है पगली। तो क्या भी बर्तन में धोवावत है, कुछ दिन के बाद तो पूरा शरीर गया धोवाई, हाई रूम वूम सब धोवाई दे। तो इसीलिए तो, इसीलिए तो मेरी शरीर गया भी तूने त्यों कर दिया है। बैल हमें दोस्तों ऐसा नहीं है। नहीं नहीं वो हंसी मजाक चलता है, बात ये है कि रागिनी ने सच बोलूं तो गए महंगे से महंगे होटल में, इन्होंने बोला मेरा जो भी खाना हो खा लीजिए, सारा पेमेंट पैसा इन्होंने किया था। बहुत अच्छी लड़की है रागिनी, जो अच्छी छवि है, काफ़ी गंभीरता है, इतनी कम उम्र में इतने लोगों को डील करती है बेचारी। मैं तो बोलता हूँ मैं, मेरी इनकी इतनी उम्र थी ना तो मैं नहीं ये सब नहीं कर पाता था, मैं खेलता खाता था। लेकिन लोग आते हैं, काफ़ी आप लोग भी जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो सभी से प्रेम से बातचीत करना, जो भी यहाँ पे आता है सभी से बातचीत करना बहुत अच्छा स्वभाव है। और जैसे बेचारे कलाकार लोग हैं तो उनको सपोर्ट करना काफ़ी कुछ किया है, लेकिन बेचारे की तबीयत अभी जो है ना, लोगों को डील करते करते मानसिक प्रेशर, इतना तनाव, तो इसलिए थोड़ा तबीयत इसकी बेचारी की डाउन हो गई है, इसीलिए लोगों से मेल मुलाकात कम कर पा रही है, लोगों का प्रोजेक्ट कम कर पा रही है। शायद आप लोग रूठे भी होंगे रागिनी जी से, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ लोगों की प्राइवेसी होती है, तो अभी वो प्राइवेसी के अंदर है अपने, तो इसको भी थोड़ा अपनी ज़िंदगी जीना है, थोड़ा अकेले में रहना है, अपनों से बातें करना है, तो इसीलिए आप लोग रुष्ट मत होइएगा। अभी थोड़ा तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं आया तो इसलिए उन्होंने खुश हुआ, मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था रागिनी के साथ में, मैं बोला रागिनी आपके साथ में मेरा वीडियो वायरल हुआ है और मैं थोड़ा आना चाहता हूँ। बोले ठीक है जरूर भैया, थोड़ा तबीयत खराब है लेकिन मैं फिर भी आने का प्रयास करूँगी। तो बेचारी दौड़ी आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा रागिनी जी आपको, अपने लोग क्या धन्यवाद दिए। नहीं बहुत बढ़िया, अब मैंने देखा आपने बहुत संघर्ष किया है, मैंने आप शुरुआत से तो नहीं रहा पहले म्यूजिक जैसे कि रागिनी जी शुरुआती दौर पे आपको हमारे हमारे आपके डिजिटल मालिक अनुराग इंटरटेनमेंट दिवाकर शर्मा जी, उन्होंने शुरुआती दौर पे आपको देखा है, उठाया है। मैं तो बीच में पहुंचा था, हाँ मैं बीच में पहुंचा था, तो फिर भी जब से पहुंचा था आपका संघर्ष मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, पैसा दे रही है पगली, यही इसकी अभी पैसा मेरे से ले भी लेगी, देगी नहीं, एक रुपये इसे ले नहीं सकते हो, बहुत कमाती है। अब पैसा देखो, देखो कितना अच्छा अच्छा साड़ी पहन, इतना पैसा कमाती है। अभी दिया है ना वो, तो आप लोग को दिखाने के लिए दिया है कि मैं पैसा लोगों को ऐसे ही दे देती हूँ। जुल्लू दादा तुमको मैं पैसा वैसे इनका दीदी दे देते हैं यार, वाले एक मार के ऊपर एक मार दी हमारे जितने लोग बड़े
अभी इनका चला फिर बा अब हमार पारी आएगा।